और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको दे दें। मनीष सिसोदिया ने अपने बैंक लॉकर की सीबीआई जांच के बाद कहा है कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई जब मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच करने गई तो मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी, तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बैंक लॉकर की जांच के बाद बैंक से बाहर आकर मीडिया से बात की। मेरे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मनीष सिसोदिया का दावा है कि सीबीआई ने जब उनके बैंक लॉकर की जांच की तो उसमें कुछ भी नहीं निकला है, आपत्तिजनक। जी बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से उन्होंने बाहर मीडिया से आके बात की और उन्होंने मीडिया के सामने जो तथ्य रखे वो उन्होंने स्वयं बताया कि 70-80 हजार रुपए के आसपास की ज्वेलरी और भी जो उनकी चीजें थी उसकी संतुति उनकी पत्नी के सामने सीबीआई ने उनसे की है। सीबीआई ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। लगातार आम आदमी पार्टी ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया था कि किस तरीके से जो एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है, सीबीआई ने उनके घर की जांच की थी और उसके बाद वहां से क्या मिला अभी तक सीबीआई ने उसका जवाब नहीं दिया है। सीबीआई ने आज भी, हमने प्रयास किया कि उनसे बात करें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि किस तरीके की चीजें उनको मिली। अभी तक कुछ भी कह पाना इस पर मुश्किल है क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। सीबीआई जब अपनी जांच पूर्ण करेगी, सीबीआई जब अपने जो सारी चीजें वो सामने रखेगी, तब कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी। जी अदिति। आदित्य, मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज देखकर और जिस तरीके से वो मीडिया से बात कर रहे थे, लग रहा है कि लॉकर में से कम कोई ऐसी चीज नहीं हाथ लगी होगी सीबीआई को जिस पर आपत्ति की जा सके। कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त यही कह रही है। जी अदिति, उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया, मुझसे अच्छे से बात की और कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो यहाँ से जब बाहर निकले उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया मीडिया के लोग जो यहाँ पर खड़े हुए थे और उसके बाद जब उन्होंने बैठ दी तो कहीं ना कहीं जो एक रुख है आम आदमी पार्टी सरकार का इस समय जो लगातार सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, एक रुख आम आदमी पार्टी ने अपना रखा है कि कहीं ना कहीं वापस से पलट के जवाब उसी तरीके से देना है। तो आम जो मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सवाल थी और भाजपा को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बॉडी लैंग्वेज थी कि हाँ, हम वाकई में कट्टर ईमानदार हैं। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।